शाकाहारी शेर। अरे भाई कुकू, क्या हम भी आ जाएं आपके साथ खाना खाने के लिए? आज इतना दाना नहीं है कि मैं बांट के खा सकूं। माफ करना इना मिना डिका। लगता है कुकू को सबक सिखाना पड़ेगा। तुम लोगों की हरकत देखकर मुझे आज शाकाहारी शेर की कहानी याद आ गई। मजा आएगा। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक दादू नाम का धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा था। धोबी रोज गंदे कपड़े की गठरी गधे पर लाद कर नदी पर धोने ले जाता। दिन रात काम करने के बाद भी उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। उसको रोज पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। लगता है इस भूख से बचने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरा गधा भी बहुत कमजोर हो गया है, क्या करूं? दादू धोबी अपने गधे के ऊपर कपड़े लादकर नदी की तरफ जा रहा था कि तभी चंपा बंदरिया ऊपर से उसको देखती है और पास आकर बोलती है, अरे भाई ये क्या, तुम्हारे गधे में इतनी जान नहीं कि वो चल भी पाए और तुम उस पर बोझा ढो रहे हो? क्या करूं चंपा, मेरे पास इतना काम नहीं है कि मैं अपना और अपने गधे का पेट पाल सकूं। कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। मेरा खाने का टाइम हो गया है भाई, चलो मैं तो चली। एक दिन धोबी अपने घर पर बैठा होता है कि तभी उसकी नजर एक बक्से पर पड़ती है। वो उसको खोलता है तो वो देखता है कि उसमें एक शेर की खाल रखी हुई है। ये तो शेर की खाल है जो मुझे श्यामजी भाई ने दी थी। क्यों ना मैं इसे बाजार में बेचकर कुछ खाने का सामान खरीद लूं। दादू धोबी के मन में एक आइडिया आता है और वो एक युक्ति सोचता है। शेर, शेर, भागो, भागो। भाई कल की बात है, नंदू के खेत में एक शेर आ धमका। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था और बड़ी बात तो ये है कि वो घास खा रहा था। मुझे लगता है इस गांव में कोई नई मुसीबत आने वाली है। मैंने आज तक किसी शेर को घास खाते नहीं देखा। चलो चलो सब लोग मिलकर पंडित जी के पास चलते हैं। आओ। गांव के लोग पंडित के पास किसी अनहोनी के डर से जाते हैं और उनको पूरा मामला बताते हैं। ये सुनकर पंडित अपनी किताब खोलते हैं और बोलते हैं, शेर का घास खाना पहली बार सुना और देखा गया है। गांव को इस मुसीबत से बचाने का बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है पंडित जी, बताइए बताइए। शेर के खाने की जिम्मेदारी हर एक घर उठाएगा। उसके लिए हर रोज एक बकरी पहुंचाई जाए, इससे वो घास भी नहीं खाएगा और वापस जंगल चला जाएगा। इधर गांव वाले शेर से बचने का उपाय ढूंढ रहे थे और उधर दादू धोबी के घर में मेरा उपाय काम कर गया। अब तुम हर रोज शेर की खाल पहनकर घास खा लेना, इस तरह तुम्हारा पेट रोज भर जाया करेगा। मालिक, ये बहुत बढ़िया युक्ति है। मैं पड़ोस के खेत में जाकर खूब हरी हरी घास खाया करूंगा और लोग मुझे शेर समझकर मारेंगे भी नहीं। गांव के लोग अगले दिन पंडित जी के कहे अनुसार एक बकरी लेकर खेत में इंतजार करते हैं। तभी वहां पर गधा शेर की खाल में आता है और घास चरने लगता है। लोग ये देखकर बकरी को उसके पास छोड़ देते हैं और फिर वो बकरी गधे के पास पहुंचती है। अरे बहन डरो नहीं, मेरे साथ थोड़ा तुम ही घास खा लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। गांव वाले आवाज सुनकर डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ते हैं। ये देखकर गधा डर जाता है और चिल्लाता है,
मारो मारो। गांव वाले पीछे पीछे भागते हैं। भागते भागते गधा अपने मालिक दादू धोबी के पास पहुंचता है और गांव के लोग उसके पीछे पीछे। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मेरे पास खाने को कुछ है? नहीं बचा था है? ये बेचारा भूख से मर जाता, इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन तुमने हम सब के साथ धोखा किया है। हाँ, तुमको इसकी सजा मिलनी चाहिए और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें पूरे गांव के कपड़े धोने होंगे। दादू धोबी को गांव वालों को धोखा देने के लिए ये सजा मिली कि उन्हें सारे गांव वालों के कपड़े धोने पड़े। कुकू भाई, हमने आपको नकली मुखौटा लगाकर डराया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हमको माफ कर दो कुकू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ मिलकर दाना चुगे। मैं भी आपके लिए दाना लाया हूँ।